जो भी चीज़ सीखी है उसको कैसे हम रियल लाइफ में इम्प्लाई करेंगे। तो इसलिए जब बच्चे पहले जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं उससे पहले हम एक ओरिएंटेशन वीक करते हैं जहाँ पर उनको बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री में क्या गैप है। वंस वो ये गैप समझते हैं उसको पता चलता है कि जो भी उनको पढ़ाया जाएगा उस पढ़ाई को लेके वो कैसे ये गैप को फिल कर सकते हैं। 4 साल की पढ़ाई के बाद उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाएंगे, पहले दिन से उनको पता होना चाहिए कि उनको कैसे क्या करना है। ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटेशन थिंग्स चेंज बाकी सारी चीज़ें काफ़ी होती है, बट उनको एटलीस्ट एक डायरेक्शन होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने करियर में एक्सेल करेंगे। तो आज का ओरिएंटेशन में हमने 3 काफ़ी बड़े इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया था जो डिफरेंट डिसिप्लिन से आते हैं। कोई फैशन जर्नलिज्म के साथ है, कोई फैशन डिज़ाइनर है जिनका ग्लोबल पेनिट्रेशन है, कोई इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट है, उनका एक बड़ा कंपनी है। तो इससे बच्चों को काफ़ी सीखने को मिलता है कि इस जो भी डिसिप्लिन वो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो किस जॉब के एरिया में जा सकते हैं, वो या अपना ब्रांड खोले या किसी के साथ काम करे, कैसे कोलैबोरेशन और टीम वर्क के थ्रू सक्सेस पा सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, कॉलेज एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं, बट एक बार आपको एडमिशन मिल जाता है फिर आगे क्या। एंड लाइक ऐसा कि हर फील्ड में इतनी वैरायटी है, इतना सब हम आगे कर सकते हैं। अब जैसे जब मैंने आर्किटेक्चर लिया तो मैंने कहा ठीक है आर्किटेक्चर ले लिया, हो गया लाइफ सेट। पर जब मैंने कॉलेज के ख़त्म करके काम करें उसके अंदर ही इतना सारा है, अर्बन प्लानिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन है, आई मीन यू नेम इट, वेयर हाउसिंग है। तो आपका टू वॉट ऑल पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए है, आई थिंक दीज आर वेरी गुड। थ्रू ओरिएंटेशन लाइक दिस स्टूडेंट्स को वो एक्सपोजर मिलेगा कि क्या क्या कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर ही। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रियली रियली ग्लैड कि ऐसे नामी इंस्टीट्यूट्स ये सब कर रहे हैं।